गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठ जाओ भाई साहब, मैं भी बैठूं। विजय जी ने बात की ट्रेजेडीज की। लाइफ में आती रहती हैं, हर एक लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती जो जमीन में पड़ा था नीचे। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप जिंदा हो। और जब इंसान जिंदा होता है तो उसको कई तरह के दर्द सहने पड़ते हैं, चाहे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, वो दर्द सहने पड़ते हैं। जो आपने एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को एक हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत साल पहले जब कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था तो कुष्ठ रोगियों को समाज से बाहर किसी जगह में एक गड्ढा, बहुत सा बड़ा गड्ढा खोल के उनके छोटी छोटी कोठरियां बनाई जाती थी, उनको वहां रखा जाता था। और उनको जो खाना दिया जाता था एक क्रेन से वो खाना नीचे भेजा जाता था और उनके कोठरियों के अंदर प्लेट दे ली जाती थी। क्योंकि लोगों का मानना था, लोगों का विश्वास था कि अगर हम कुष्ठ रोग के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमें भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो एक आदमी था विलियम हैंसन, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करने की सोची कि कुष्ठ रोग क्या है, इसका कैसे इलाज किया जाए। तो वो रोज, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक उस जो कुष्ठ रोगियों का वो जो कैंप थी, वो जगह थी, जो गड्ढा था, डिस्कार्डेड प्लेस, समाज से निकाल दिया गया था, तो वो रोज वहां जाते थे। और शाम को वापस जब घर आते थे तो जब वो कपड़े वपड़े चेंज करते थे, जूते निकालते थे, तो रोज अपनी उंगली को जोर से टच करते थे, दर्द है कि नहीं। क्योंकि जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी नाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उनको वो फीलिंग नहीं रहती, सुन्न हो जाती है। तो रोज अपने पैर छूते थे, जब टच होता था ठीक था कि मैं ठीक था। एक दिन कई महीनों के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने जूते उतारे, जुराबे उतारी, तो उंगली को दबाया, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, उनको डर लग गया, मन में खौफ बैठ गया कि कहीं कुछ तो नहीं हो गई। उन्होंने एक सुई ली, सुई को थोड़ा सा उस पेट लगाया, नहीं फील हुआ, उनको और डर लग गया। उन्होंने जोर से सुई को खुबाया, उसको खुबाया बोले ना, जोर से उसको उसके अंदर उंगली को दबाया, उनको दर्द हुई, कहते हैं थैंक गॉड फॉर पेन, कि मुझे दर्द हुई इसका मतलब मैं ठीक ठाक हूं। तो जिंदगी में दर्द आती हैं, तकलीफें आती हैं, और वो तकलीफों से गुजर के ही ये रिकॉग्निशन लाइफ पे आप लोग पहुंचते, तब रिकॉग्निशन मिलती, बैठे बैठे नहीं मिलती। रिकॉग्निशन, पहचान, सम्मान। एक कहावत है, एडल्ट्स डाई फॉर इट एंड चिल्ड्रन क्राई फॉर इट। जो एडल्ट होते हैं लड़ाई में जाते हैं, वो लड़ते हैं देश के लिए, ये सोच के मर जाएंगे कोई नहीं, हमको वो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र मिलेगा वो रिकॉग्निशन के लिए। और बच्चे रोते हैं जो उनकी बात नहीं सुनती, वो जोर से रोते हैं कि मां सुनेगी, बात सुनेगा, रिकॉग्निशन के लिए। और एक नेटवर्कर, उसको रिकॉग्निशन के लिए क्या करना होता है, कुछ लोगों की मदद करनी होती है, कुछ लोगों को जिंदगी में कामयाब करना होता है, तब वो इस रिकॉग्निशन की स्टेज पे पहुंच सकता है। अब कई लोग होते हैं, हमसे तो हुआ नहीं जी, आते हैं डिसन में, पर कुछ लोगों से बात करके, दो चार पांच दस लोगों से बात करके हाथ पे आके बैठ जाते हैं, ये काम नहीं करता, ये बेकार सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं है, दूसरों को भी नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में आपको कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, राम और श्याम। एक दिन संडे का दिन, इतवार का दिन छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा आज एक नदी के किनारे चलते हैं, समुद्र में चलते हैं और वहां पर सीप पकड़ते हैं, शेल्स, और सीप में मोती होते हैं, पर्ल्स, हम पर्ल्स इकट्ठे करेंगे।
तो वो क्या करते हैं, राम बोलता है मैं यहां बैठूंगा, तू उस कोने में जाके बैठ। 9 बजे जाते हैं, कहते हैं शाम को 5 बजे मिलेंगे, उससे पहले हम मिलेंगे नहीं। शाम को 5 बजते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं, तो राम शाम से पूछता है, हाँ भाई आज कितने मोती मिले? कहते यार मैंने जाल डाला था, उस जाल में 5-7 आए थे, उनमें देखा किसी में भी मोती नहीं था, मैं उनको रगड़ता रहा कि शायद मोती बन गए, पर कोई भी नहीं बना, मेरे को कोई मोती नहीं मिला। तो कहता तूने क्या किया? कहता मैंने जाल डाला, बाहर निकाला, जितने शेल थे उनको इकट्ठा कर लिया, फिर मैंने जाल फेंका, बाहर निकाला, जितने शेल थे उनको इकट्ठा कर लिया, फिर जाल डाला, जितने शेल से इकट्ठा कर लिया, 3-4 बार जाल डाल के मैंने 2-4 हजार शेल इकट्ठे कर लिए। उसके बाद मैं उनको लेके बैठ गया, खोलने लगा, देखा कि मोती नहीं है, वापस समुद्र के अंदर।